नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। इस वीडियो में कैमरे से बचते ये वर्दीधारी दीवार के पीछे जाकर पैसों का लेन देन कर रहे हैं। कितना पैसा बोल रहे हैं? 10,000 सर। सुनो ना, 5 तो आपके ड्राइवर, मैं तो 5 ड्राइवर ही देने वाला था, पूछ लो। मैं वहीं सो। अब आप देख लो, तो फिर वो गाड़ी का बनाना पड़ेगा हमको। गाड़ी तो बना के देना पड़ेगा, गाड़ी नहीं बनाएंगे। आप 10 लेना तो फिर हम गाड़ी नहीं बना के देंगे आपको। पर्चा वाला हम कैसे करें? सुनिए ना, सुनिए ना, गाड़ी से कॉम्प्रोमाइज हो गया, फिर क्या चीज का बनेगा? मैं समझ नहीं आ रहा। गाड़ी वाला, गाड़ी को हम बना के दे रहे हैं, सरकारी प्रॉपर्टी को हमने नुकसान नहीं किया। एक बार तो बता दिए ना, उससे 5,000 भी आएगा। चलो चलो, वो आप ही लोग का कैमरा उसमें क्या है? वो तो आपके जो वो है ना, वही वो कर रहे थे। अरे सर, अभी तो क्या बोले, अब हमारा हम लोग को बहुत नुकसान पड़ गया। जी हाँ, घूसखोरी और रिश्वत लेने का ये मामला दरअसल छत्तीसगढ़ के महासमुंद का है। आइए आपको इस वीडियो की पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल वीडियो में दिख रहा है ये शख्स एक ट्रांसपोर्टर है, जिनका ट्रक गुजरात से कोलकाता जा रहा था, लेकिन रास्ते में इस ट्रक का एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। छत्तीसगढ़ के तुमगांव में जाम लगा हुआ था। जाम भी इसलिए क्योंकि यहां पुलिस अधिकारी 200 रुपए की पर्चियां काट रहे थे। इसी दौरान इस ट्रक का गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद पुलिस तक बात पहुंची, लेकिन ट्रक ड्राइवर और कार चालक के बीच सुलह हो गई और कार चालक ने पुलिस वालों से कहा कि ट्रक चालक गाड़ी का काम करा देंगे तो अब कोई केस नहीं लिखना है। आमतौर पर दो पार्टियों में कॉम्प्रोमाइज करवाना पुलिस वालों का काम होता है, लेकिन यहाँ इन अफसर शाहियों को ये बात ही हजम नहीं हो रही थी। पुलिस अधिकारी ने कहा कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, मैं केस बनाऊंगा। थाना प्रभारी ने नाटक तो अच्छा किया और इनके एएसआई साहब भी बाहर आकर कहने लगे कि जनाब 10,000 में बात खत्म करेंगे। अब एएसआई साहब ने मोल भाव करते हुए रेट गिराया और बात 5,000 पर पहुंच गई और ये जनाब कैमरे से छुपते हुए रकम वसूलने दीवार के पीछे आ गए, लेकिन गलती से इस ट्रांसपोर्टर के कैमरे में इनकी करतूत रिकॉर्ड हो गई। दरअसल ये खबर जब एसपी के संज्ञान में आई तो उन्होंने तुमगांव थाना प्रभारी और सहायक उप निरीक्षक को तुरंत निलंबित कर दिया, लेकिन अफसरों का ये रवैया ड्राइवरों को इनकी रोजी रोटी छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। फिलहाल आज की ब्रेकिंग न्यूज में बस इतना ही। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले ट्रांसपोर्ट टीवी और ट्रांसपोर्ट मॉल का धन्यवाद कहता हूँ, और उन्होंने जो इंश्योरेंस की सेवाएं चालू की है उससे बहुत ही फायदा मिल रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फर्जी इंश्योरेंस करते थे कुछ एजेंट तो, और कुछ जानकारी भी पूरे तरह से नहीं देते थे। तो अभी जो ट्रांसपोर्ट मॉल ने इंश्योरेंस चालू किया है सेवाएं, वो बहुत ही अच्छी लगी है। मैंने आज तक बहुत सारे उनके पास से इंश्योरेंस निकाली है और उसका रिस्पॉन्स भी अच्छी तरह से मिला है, और बाकी के जो इंश्योरेंस एजेंट के तरफ से जो इंश्योरेंस निकलते उससे काफ़ी बेहतर उनके तरफ से सर्विस मिलती है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90831 90831 पर, आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन, Facebook पर लाइक करें हमारा पेज और Twitter पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।